तो जिस भी बंदे ने पंचायत कार्यपालक का आवेदन दिया है, उसका फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो और रिजल्ट कब आने वाला है? फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होगी 7 तारीख को, ठीक है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होगी 10 तारीख को, यानी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद जो भी होगा वो सब होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको कुल पद 1,12,000 आपके यहाँ पर पद में भर्ती होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है 50% सिलेक्शन के चांस हैं कि आपके जो है सिलेक्शन हो जाएंगे। और मासिक आय आपको कितना रुपए मिलेगा, इसमें मंथली इनकम कितनी है, यानी कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो ये है 12,500 से लेकर 16,500, जो कि क्या है ईयरली या मंथली वाइज आपकी जो है इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। शुरुआत में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको 12,500 से 16,500 तक मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी एज लिमिट है 18 लिमिट 40, मतलब 18 से 40 एज लिमिट है, ठीक है। तो आप बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हो और बहुत सारे बंदों ने इस आवेदन को दिया भी है, ठीक है, फॉर्म फिल भी कर दिया। तो ये बिल्कुल, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये फेक है, बिल्कुल भी स्कैम हो रहा है और कई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा छाप लिया है इन्होंने, ठीक है। कोई भी आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा, मान लीजिए फेक है, आपका फॉर्म फिल भी हो जाता है और यहाँ पर आपको एक स्लिप भी दी जाती है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने जो है 260 इसमें फीस लग रही थी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की, लेकिन मैंने यहाँ पर एक भी रुपए नहीं दिया और एक ही मेल से, एक ही पते से, एक ही नाम से 2 फॉर्म फिल किए हैं, उसकी स्लिप भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और क्या है, इसमें मैंने फेक भी भरा था, फेक किसी की फ़ोटो, किसी का नाम, किसी का, और तो वो भी अप्लाई हो गया है, उसका भी फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर आप, फिर ये कैसे हो गया, अगर ये रियल होती भाई तो ये नाम लेते ही नहीं, कुछ सेम लेते ही नहीं, ठीक है। और फोटो मैंने किसी किसी बच्चे का फोटो डाल दिया, नाम किसी और का है, डेट किसी और की है, मोबाइल नंबर किसी और का, मेल किसी और का, मैच ही नहीं हो रहा भाई। तो ये कहाँ से, और नाम किसी और का, ये कहाँ से फिर ये रियल हो गया, ठीक है। तो 100% फेक तो ये है ही, कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है। अब आप ये भाई लोग, ये जन स्वास्थ्य सहायता अभियान है, ऐसा ही स्लिप आपको ऑनलाइन वाले ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नाम किसी और का डाल दिया है और आप फोटो देख सकते हो किसी एक बच्चे की है, ठीक है। तो बच्चे की ये कैसे अप्रूव हो गई, और यहाँ पर देख लीजिए आप, असम स्टेट असम है, पर स्टेट असम है और पिन कोड तो सही है जैसा मैंने डाला था, और ये आप फेक है कि नहीं आप बताओ ना। तो यहाँ पर मैं 100% आपको बताता हूँ कि ये फेक है, कोई सा भी रियल नहीं है। अगर आपका पैसा गया हो भाई तो बस आगे से आप इसको, आगे से ऐसे फॉर्म अगर आपकी भरना चाहो तो भाई पूरी तहकीकात कर लेना, तभी ऐसा फॉर्म भरना भरना आपके पैसे चले जाएंगे फालतू में, ठीक है। तो मैंने 2 ऑलरेडी भर चुके हैं, मैंने 10th से भी भरा है और 12th से भी भरा है, और किसी मैंने वैसे ही भर दिया आपको बताने के लिए। तो ये देखो स्लिप आ गई है। अब चलिए देखते हैं मेरी जॉब लगती है कि नहीं। चलिए, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।